बिलासपुर हाई कोर्ट में नान घोटाले की सुनवाई हुई, जिसमें अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव ने कहा कि एसीबी द्वारा दर्ज मामले की पूरी जांच नहीं की गई है। एसीबी ने 19 लोगों को आरोपी बनाया लेकिन बाकी को छोड़ दिया। वहीं डायरी में दर्ज सीएम मैडम और डॉक्टर से पूछताछ भी नहीं की गई। अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव ने बताया है कि मामले में बहस अब भी बाकी है। मामले की सुनवाई 7 तारीख को होगी। डायरी है, डायरी पे नहीं होगा, डायरी सबूत नहीं होती, ये सारे तर्क वरिष्ठ अधिवक्ता जो आए थे विक्रम सिंडी तरफ से वो भी कह के गए हैं। मेरा केस केवल डायरी पर नहीं है। स्वयं एसीबी ने चालान के साथ जो दस्तावेज लगाए हैं, जिनके आधार पर वह 16 लोगों को सजा दिलाना चाहती है, उसी कागज में 25-50 और लोगों के भी नाम है जिनको पेमेंट हुआ है। तो मेरा सीधा सा सवाल है कि अगर उसी कागज के आधार पर ये 16 लोग मुलजिम हैं, उनको सजा हो रही है, तो ऐसी क्या बात है कि बचे 25 लोगों पे, जिसमें के कई लोक सेवा पब्लिक सर्वेंट शामिल है, कोई जीएडी का है, कोई फूड डिपार्टमेंट का है, कोई अलग अलग है, कोई इन सब लोगों से पूछताछ भी नहीं की गई है, 161 का बयान तक नहीं कराया गया।